अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि गाइस आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आई मैक के बारे में। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है और गाइस क्योंकि गाइस जो दिन ब दिन आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है और गाइस यहाँ पर जो एप्पल है वो तो डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में लगा हुआ है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि हमें आई मैक के इस न्यू वर्जन में क्या देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में तो एप्पल बहुत ही ज़्यादा कमाल दिखा रहा है और वो डेफिनेटली वो तमाम कंपनियों का काम है, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। गाइज आज हम यहाँ पर इसे कुछ देखेंगे गाइज, और गाइज की जो डिटेल है हम गाइज यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही देखने वाले हैं। और गाइज आपको मैं यहाँ पर इसकी प्राइस भी बता दूंगा गाइज, जो पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियल प्राइस होने वाली है। और गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो मुझे बताइएगा गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं इस तरीके की वीडियोज़ और बनाऊँगा गाइज, यानी कि उसकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उन्हें विजिट करके और उनके मतलब आपको आगाही फ्राम करूँ, या फिर हम इसकी डेडिकेटेड वीडियोस, एनिमेशंस और कुछ वॉइस ओवर करके इस तरीके से मिली जुली आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो गाइज आप कमेंट में बता दें, कुछ सजेशंस दे दें कि हम कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज यहां पर गाइज मैं एप्पल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर आ चुका हूं। और गाइज यहां पर आप देख भी सकते हैं कि एप्पल वालों ने यहां पर पहले ही मैक लगा के रख दिए हैं बेहतरीन तरीके से, यहां पर उन्होंने एडवर्टाइज़ कर दिया इसको। और गाइज वेबसाइट पर तो पक्का बहुत ख़र्चा किया हुआ है गाइज, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन की हुई है वेबसाइट पर। और गाइज इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी प्राइस देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अवेलेबल सेकेंड हाफ ऑफ मई, और यहाँ पर प्राइस जो है $1299 होने वाली है, यानी कि $1300 इसकी प्राइस होने वाली है। और अगर मैं इसे कन्वर्जन करूँ यहाँ पर के कितनी प्राइस होती है, यानी कि $1200 जो होते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी कन्वर्जन भी कर लेता हूँ। टाइप करेंगे तो यहाँ पर गाइज कुछ यहाँ पर आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, सिंपल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कॉपी कर लिया था, पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हम इससे ज़रा काउंट कर लेते हैं, यूनिट 10,000, 10,000 लाख। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पर हमें ये पढ़ने वाला है गाइज 1,97,772 रुपीस में। तो गाइज ये काफ़ी एक ज़्यादा प्राइस है, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 2 लाख रुपए में पाकिस्तानी यहाँ पर ये जो इनका आई मैक न्यू वाला है ये देखने को मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर आप चाहें तो इसके मतलब कुछ मूवी भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, और एप्पल वालों ने इसे बनाई है। Say hello to the new iMac. You've never seen a computer like this before. Yeah, it's really that thin. But it's not magic. It's the M1 chip, which is kind of iMac. Oh wait, I forgot. It comes in 7 colors. यहाँ पर गाइज ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि गाइज यहाँ पर जो iMac है ये मल्टीपल कलर में देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक वाइट कलर में आपको मैक देखने को मिलता था, जो कि बहुत टाइम से एक ही कलर में चलते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपने मल्टीपल कलर को, जो कि पहले हमें कभी देखने को नहीं मिलते थे। तो हम ज़रा नीचे चल लेते हैं और गाइज यहाँ पर हम देख लेते हैं कलर्स वगैरह को भी इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, किस किस कलर में आपको कैसे कैसे यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, मैक को आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर रखें। और यहाँ पर गाइज एप्पल बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है अपनी चीज़ों को थिन रखने के लिए, और उसकी यानी कि मेन फोकस यही होता है कि लोगों को स्पेसिफिकेशन बताने के बजाय ये बताया जाए कि हमारा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा पतला है। तो गाइज जिसे वो बहुत ही अच्छी तरीके मार्केट करके पैसे भी छाप रहे होते हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के। और यहाँ पर भी गाइज आप देख सकते हैं कि इसकी जो मोटाई है वो 11.5 mm है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पतला होता जा रहा है। और देखें यहाँ पर गाइज यहाँ पर कुछ प्रोसेसर के बारे में बताया गया है कि ये M1 और ये बहुत ही तगड़ा चिपसेट है बकौल एप्पल के। तो यहाँ पर ये एप्पल इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या है कि एंड लेस दैन 10 pound, और ये 10 pound कम हो गया है, ये क्या पता नहीं गाइज, मैंने ऐसा मैंने उठा कर देखा, मुझे पता नहीं है कि इसका एक्चुअल में वज़न कितना होता है, या फिर कहूँ कि इसकी वो फीलिंग को मैंने महसूस नहीं किया हो, जिसकी वजह से मैं इसे बता नहीं सकता। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से यार इन्होंने वेबसाइट बना रखी है, और बहुत ही ऐसे एक केबल लगा रखी है, कलर मैच भी आप उस केबल को देखने को मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ कि हमारे पास ब्रिलियंट 4.5K रेटिना डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने ट्रेलर भी चला रखा है एक कार्टून मूवी का। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की हुई है, जो कि डेफिनेटली एप्पल के डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं।
और यहाँ पर कैमरे की तो डेफिनेटली इन्होंने आपने वीडियो में भी देखा काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है कि आपको HD+ यानी कि सॉरी HD+ नहीं HD रेजोल्यूशन वाला यहाँ पर कैमरा देखने वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से इनकी जो आउटपुट है वो यहाँ से निकले कैसे ये आउटपुट को आउट करेगा, जिसकी वजह से आपको कमरे में बहुत ही एक अच्छा फीलिंग आपको आएगी कि किस तरीके से साउंड आ रहा है। तो और गाइस यहाँ पर और इन्होंने क्या दिखाया हुआ है अपने टीवी की, एप्पल टीवी ने अपने डेफिनेटली अपने टीवी का एडवर्टाइजमेंट की हुई है और वो तो डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने चिपसेट की भी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, वो बार बार हमें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में सफारी को थोड़ा इम्प्रूव किया गया और बता रहे हैं कि दैट मीन्स सफारी इज़ फास्टर दैन दी एवर एंड यू कैन ब्राउज विद द 100 टैब्स ऑन। क्या बात है, कहते हैं कि यार यहाँ पर सफारी को हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और यहाँ पर आप 100 टैब्स ओपन कर सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा और ऐसे थड़ चलेगा आपका जो यानी कि ब्राउज़र है उसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं आएंगे। और पता नहीं अब गाइस ये तो जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो पता चलेगा कितनी ज़्यादा पावरफुल ये रखते हैं, क्योंकि क्रोम तो गाइस जब चलता है तो पी जाता है रैम, कुछ नहीं छोड़ता, ऐसे चिगड़ जाता है रैम को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 100 पिक्सल्स इमेजेस और यहाँ पर यानी कि काफ़ी पिक्सल्स को फोकस किया, डेफिनेटली एक अच्छी यहाँ पर रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इसके साथ पिक्चर्स के साथ खेलवाड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि तगड़ी स्क्रीन है तो तगड़े आप आउटपुट भी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दिखाई गई जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेफिनेटली थोड़ी है विंडोज़ की नस्बत या फिर ऐप एंड्रॉयड की नस्बत भी, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉयड की बात भी करूँगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में जो इनके OS यूज़ हो रहे हैं इनका फ़ोन में और इनके जो मैक्स हैं तो वहाँ पर सेम चल रहे होते हैं। मैक यहाँ पर आईफोन में OS यूज़ कर रहे हैं वो सेम हो रहा होता है, तो सपोर्ट ऐप्स कम है लेकिन यहाँ पर एक एडवर्टाइज़ किया गया कि यार आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स देखने को और मेजर सॉफ्टवेयर्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर रखी है कि आप यहाँ पर जो आपका मैक है आप उसे अपने फ़ोन के साथ क्विकली प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पर इन्होंने एक डेमो भी दिखा रखा है इसका। और यहाँ पर मुझे लगता है कॉल यानी कि आपका कॉल यहाँ से आएगी तो यहाँ से आप शायद पिक कर सकते हैं इसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। यही फीचर लेटेस्टली यहाँ पर हमें देखने को मिला व्हाट्सएप के अंदर और वहाँ पर बिल्कुल ऐसे फ़ोन पर कॉल आया आप उसे लैपटॉप से अटेंड कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको इसके ऊपर लिंक नहीं पता लिंक ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई कार्ड में होगा, आप देख लीजिएगा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर गाइस जो चीज़ें कॉपी करने के मुतलिक बता रहे हैं क्लिपबोर्ड के मुतलिक, वहाँ पर ये बता रहे हैं एंड यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड लेस यू कॉपी टेक्स्ट इमेज फोटो एंड मोर योर आईफोन देन पेस योर आई मैक। तो बता रहे हैं कि आप फ़ोन में अगर कोई चीज़ कॉपी करते हो डायरेक्टली आप उसे अपने मैक में भी देख सकते हैं और अच्छा फीचर है यार, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यकीन जाने कि ये जो फीचर है ना ये आपको शायद अभी इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो लेकिन अगर आप डेली यूजेज करते हैं कंप्यूटर में चीज़ों को इधर उधर करते रहते हैं तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। और गाइस यहाँ पर भी और इन्होंने कुछ डाल रखा है डिस्कवर मोर वे योर एप्पल डिवाइसेस वर्क टुगेदर, तो एक एडवर्टाइजिंग कर रखी है अपने बाकी डिवाइसों के मुतलिक में। और यहाँ पर फिर से हमें स्क्रीन नज़र आ गई है और यहाँ पर एक फुल दिखा गया स्क्रीन के हमें ये कैसी नज़र आ रही है, काफ़ी क्लियर एक्सपीरियंस रहता है यार आई मैक का, ये तो मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ओके मैजिक जादू दिखाना चाह रहे हैं हमें और वो जादू डेफिनेटली पहले भी हमने बात की इसके मतलब यहाँ पर आपको कीबोर्ड के अंदर ही माइक कह रहा हूँ फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। तो क्या चीज़ दिखा रहे हैं, क्लासेस ड्रोम प्लेस, तो ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं कुछ समझ नहीं आई। तो बाकी तो वही चीज़ें यहाँ पर बार बार रिप्रेजेंट कर करके दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर आपको गेट थ्री डेली कैशबैक विद एप्पल कार्ड, अभी गाइस एप्पल कार्ड डेफिनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, हालांकि मैक भी अवेलेबल नहीं होगा लेकिन इसे जुगाड़ तरीके से पाकिस्तान में इम्पोर्ट तो डेफिनेटली किया जा सकता है और गाइस आपको इसकी प्राइस का इससे अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पर भी गाइस गेट अप टू $1000 टुवर्ड योर न्यू मैक, अब पता नहीं ऊपर और प्राइस है यहाँ पर और प्राइस है और पता नहीं किस चीज़ से ये कंपेरेबल कराना चाह रहे हैं। और यहाँ पर शॉप भी कर सकते हैं इनके एक्सेसरीज़ को, सॉरी मैंने क्लिक कर दिया, मैं इसे काट देता हूँ, और मैंने उस पर क्लिक कर दिया था तो हम तो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। तो क्लिक हो गया था गाइस, वो अब रिफ्रेश होकर लोड हो गया और मेरा वेबसाइट जो है वो रुक गई है, मैंने असल में कैंसिल कर दिया लेकिन फिर भी लोड हो गई थी, कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम।
और गाइज आई होप कि गाइज आपको ये छोटा सा एक वेबसाइट से विजिट करके और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला ये जो सिलसिला है आपको पसंद आएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो एक नया ट्रैक लिया है तो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो इस तरह की बनाऊंगा। अगर नहीं आती तो कमेंट में बता दें कि अगली वीडियोज़ कैसे बना के इम्प्रूव किया जाए जिससे आप और ज़्यादा इंटरटेन हो सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।